नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशन पे वाके, जैसे माविन प्राइम मेहदी पट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टिज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब में 90% राय दही, TRS और BJP कारकुनों में झड़पें, ई राजेंद्र के खेमे में जश्न। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में कोविड का दूसरा टीका देने की मुहिम का आगाज, 150 मराकज कायम, 10 दिनों तक जारी रहेगा प्रोग्राम, सुमेश कुमार ने लिया जायजा। नीलोफर हॉस्पिटल में आउटसोर्स मुलाजिम की मुबैना लापरवाही, सिर्फ 100 रुपए के लिए सिलेंडर की तब्दीली, 3 साल बच्चे की मौत। और शहर में गांजे नशीली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, रेलवे और वेस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई में 7 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब की रायदही का इख्तिताम हो गया है, नतायज 2 नवंबर को जारी किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से रायदही में तेजी देखी गई, अवाम ने पोलिंग मराकिस पर जमा होकर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। शाम 7 बजे तक तकरीबन 90% रायदही हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए TRS कायदीन और वर्कर्स को इस सिलसिले में खबरदार भी किया था, लेकिन जैसे ही उनकी बातचीत हुई TRS के कायदीन और वर्कर्स हरकत में आ गए। हुजूराबाद के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर TRS और BJP कायदीन रकम बांटने का एक दूसरे पर इल्जाम लगाते देखे गए। हालात उस वक्त मजीद कशीदा हो गए जब TRS के चीफ इलेक्शन एजेंट कौशिक रेड्डी को पोलिंग बूथ 305 पर ई राजेंद्र के हामियों ने बूथ में दाखिल होने से रोक दिया। वहां से कौशिक रेड्डी को मायूस होकर लौटना पड़ा। एक और वाकये में BJP के लीडर तला उमा को हिम्मतनगर में वोटर्स को रागिब करने पर TRS कायदीन और कारकुनों ने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया। दयाकर पोलिंग मराकिस पर इस तरह के वाकया सामने आए हैं, बाज जगह पर दोनों ग्रुपों में हाथापाई भी देखी गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने बाज पोलिंग मराकिस का दौरा करने के बाद बताया कि हालात पुरअमन हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 306 पोलिंग मराकिस कायम किए गए थे, 1715 पोलिंग अमला और 3828 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया था। इस इंतखाब की रायदही में 2 EVM का इस्तेमाल किया गया, 273,000 से ज्यादा वोटर्स के इंतजाम किए गए थे। वाजिर है कि 2018 में हुजूराबाद असेंबली हल्के से 84.5% रायदही रिकॉर्ड की गई। इस बार इंतखाब जिमनी इंतखाब साबिक वजीर ई राजेंद्र के इस्तीफा देने की वजह से हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र के हामियों ने कामयाबी को यकीनी करार देते हुए ई राजेंद्र को कांधों पर उठा लिया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। हामियों ने बताया कि 8% देखकर वाजे हो चुका है कि ई राजेंद्र ही कामयाब होंगे। सदर बीजेपी बी संजय ने हुजूराबाद के रायदहिंदों से इशारे तशक्कुर करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन से मिली इत्तलात के मुताबिक ई राजेंद्र भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करने वाले हैं। TRS पार्टी ने रकम के बलबूते पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया है।
रियासती वजीर कबायली बहबू सत्यवती राठौर ने कहा कि पोडू अराजी पर काश करने वालों के साथ इंसाफ किया जाएगा और अराजी पट्टे दिए जाएंगे। पोडू अराजी के मसले के हल के लिए जिले सतह पर कुल जमाती इजलास तलब करने की वजीराला की हिदायत पर मुलुगू जिला कलेक्टर दफ्तर में कुल जमाती इजलास तलब किया गया। इस इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि पोडू अराजी के मसले के मुस्तकिल हल के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस मसले के तमाम उमूर का जायजा लेगी। सत्यवती राठौर ने बताया कि 8 नवंबर से पोडू अराजी के हकदार अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना तश्कील के बाद 68 लाख एकड़ जंगलात की अराजी की निशानदेही की गई है। ROFR कानून के तहत हर मुस्तक को पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देही मंडल डिवीजन और जिले सतह की कमेटियां कायम होने के बाद एक बार फिर इजलास तलब किया जाएगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि दूसरे टीके के लिए चलाई जाने वाली मुहिम से हर एक इस्तेफादा करें। राजेंद्र नगर में गश्ती टीका मराकिस का अचानक दौरा करते हुए उन्होंने टीका अंदाजी मुहिम का जायजा लिया। हफ्ते के दिन दूसरे टीका देने के प्रोग्राम का आगाज किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने राजेंद्र नगर सर्कल सनराइज होम कॉलोनी में कायम किए गए गश्ती मराकिस पर किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ टीका ही वाहिद रास्ता है। हैदराबाद में 90% अवाम ने टीका ले लिया है। सुमेश कुमार ने बताया कि आइंदा 10 दिनों तक 150 गश्त की टीका मराकिस के जरिए दूसरा टीका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर दिन 450 कॉलोनियों का हता किया जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो इस प्रोग्राम में तौसी की जाएगी। इस मौके पर महकमा सेहत के सेक्रेटरी रजवी, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। 1 नवंबर से कांग्रेस पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आगाज होगा। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अहम कादीन का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी मुर के इंचार्ज मणिकम टागोर, सदर PCC रेवंत रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि 1 नवंबर से डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आगाज होगा। इस प्रोग्राम से मुतालिक रेवंत रेड्डी और मणिकम टागोर ने और दूसरे अरकान को तफसीलात बताई। इसके अलावा 14 नवंबर से किए जाने वाले प्रोग्रामों पर भी तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अयोध्या रेड्डी ने कहा कि खुले में लाई गई धान को फौरी खरीदा जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीराला किसानों के बारे में संजीदा नहीं है, इसलिए किसान परेशान हैं। उन्होंने सवाल किया कि सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। KCR के काबिनी वजरा पर गिरफ्त कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए धान खरीदी के मामले में वजरा मुतजाद बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP और TRS दोनों सियासी जमातें किसानों के साथ खेल रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट राजैया ने कहा कि हुजूराबाद जिमनी इंतखाब में जमहूरियत का खून हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वोटर्स को खरीदा जा रहा है और शराब पानी की तरह बहाई गई। हुजूराबाद में जो कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जिमनी इंतखाब को फौरी मंसूख करते हुए दोबारा इंतखाब कराएं और जमहूरियत का तहफ्फुज़ करें। तेलंगाना में हफ्ते के दिन कोविड के 168 नए केस दर्ज किए गए और एक मौत की तस्दीक हुई है। बुलेटिन के मुताबिक 4072 एक्टिव केसेस बताए गए। हैदराबाद में 62, करीमनगर में 12, मिर्चल मलकाजगिरी में 11, रंगारेड्डी में 12, दीगर अजला में 10 से कम केस दर्ज किए गए। 5 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। इतवार 31 अक्टूबर को दूसरी बार एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम मुनक्किद होगा, लेकिन इस बार फुटपाथ पर कार्यवाह करने वालों को भी मौका दिया जाएगा। अवाम से कोविड कवायद के मुताबिक इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की गई है। मुतालिका अहदेदारों ने हफ्ते को इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी भी मौजूद थे। अहदेदारों ने बताया कि तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मदरसे अबुल करा तहफीजुल कुरान का तीसरा जलसे अतायकिलियत व दस्तारबंदी व तकसीम असनाद बरह फाज इकराम का निकाह जेर सरपरस्ती डॉक्टर सिबगतुल्ला शाह 29 अक्टूबर को मस्जिद शाह आलम महबूब आलम शाहगंज चौक अमल में आया।
اس موقع پر مفتی قاسم صدیقی تذکیر بانی مدرسہ ابو القرات نے اپنے خطاب میں مدرسے کے اغراض و مقاصد بیان کیے جس میں 50 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ حفظ و قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طلباء کو انگریزی، اردو، ریاضی اور دینیات بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبندی نے حزب البحر کی رسم اجرا انجام دی۔ علاوہ ازیں حضرت محدث دکن کی معروف تسنیم مواضع حسنہ سے ایک باب ذکر اللہ کی رسم اجرا ڈاکٹر صبغت اللہ شاہ کے ہاتھوں مل میں آئی۔ غلام مرتضیٰ صدیقی نے اسناد کی تقسیم کی۔ نائب شیخ التفسیر جامع نظامیہ مولانا انوار احمد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے ذریعے منظور کروائے گئے سیوریج اور آبی پائپ لائن کے کاموں کا رکن اسمبلی معظم خان نے اراکین بلدیہ اور جنرل مینیجر واٹر ورکس کے ساتھ جائزہ لیا۔ دارالسلام میں منعقدہ اس اجلاس میں رکن اسمبلی نے زیر تعمیر کاموں کو جلد مکمل کرنے اور زیر التوا کاموں کی رام حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا۔ جہانما ڈویژن میں حالیہ بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے برقی اور ڈرینیج کے مسائل کی یکسوئی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چند دن پہلے ہوئی شدید بارش کی وجہ سے نواب صاحب کنٹے کے مختلف علاقوں میں کھمبوں میں برقی شارٹ آنے کی شکایت کی رکن اسمبلی معظم خان سے شکایت کی گئی تھی۔ رکن اسمبلی معظم خان نے متعلقہ محکمے سے نمائندگی کی اور کاموں کو منظور کروایا۔ مذکورہ علاقوں میں کیبل بچھائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں بارش کی وجہ سے موریوں، کچرا اور مٹی جمع ہوئی تھی جس سے مکانوں میں موریوں کا پانی داخل ہونے لگا تھا۔ مقامی رکن بلدیہ مختدر بابا نے موریوں کی صاف صفائی کے ذریعے اپنے کام پوری نگرانی میں کروائے جس سے مکینوں کو راحت ملی ہے۔ گونگے بہرے اور دوسرے معذرین کے وظائف میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی طرف سے کلیکٹر حیدرآباد کو ایک یادداشت حوالے کی گئی۔ گونگے بہرے تنظیم کے نمائندوں نے پنشن کو 3500 سے بڑھا کر 6000 روپے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کلیکٹر نے اس مسئلے کی یکسوئی کا تیقن دیا ہے۔ معذورین نے دلت بندھو کی طرح انہیں بھی معاوضہ فراہم کرنے اور شادی کے لیے 5 لاکھ روپے اور ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ نمائش سوسائٹی کی جانب سے ایگزیبیشن گراؤنڈ نامپلی پر لگائی گئی منی نمائش کو 3 نومبر تک توسیع دی گئی ہے۔ سیکرٹری نمائش سوسائٹی پربھا شنکر نے بتایا کہ حوصلہ افزا رد عمل ملنے اور عوام کی درخواست پر مزید 3 دنوں کی توسیع کی گئی ہے۔ اب یہ نمائش 3 نومبر تک جاری رہے گی۔ آخری ایام میں نمائش میں غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ اضلاع سے بھی کثیر تعداد میں عوام نمائش کے مشاہدے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ نمائش کا مشاہدہ کرنے والوں نے بتایا کہ شادیوں کے سیزن میں منی نمائش کی وجہ سے کپڑوں کی خریداری میں غیر معمولی سہولت ہوئی ہے۔ یہاں پر عام خواتین کے سوٹ سے لے کر ڈیزائنر اور پارٹی ویئر سوٹ بھی واجبی قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ سوسائٹی کے ذمہ داروں نے اس فیسٹیول میلے کو چھوٹی لیکن مکمل نمائش کی شکل دی ہے۔ یہاں پر کشمیری اور افغانستان کے ڈرائی فروٹس انتہائی واجبی داموں پر دستیاب ہیں۔ پاکستانی ملبوسات جو خواتین میں ان دنوں کافی مقبول ہیں ان دکانات پر بھی ہجوم دیکھا گیا۔ فوڈ کورٹ میں ہم اقسام کی غذائی اشیاء بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ مصنوعی زیورات کے ساتھ ساتھ کاسمیٹکس کے اسٹال پر بھی خواتین خریداری کرتی دیکھی گئیں۔ منی نمائش میں عوام کی سہولت کے لیے مفت طبی معائنے بھی کیے جا رہے ہیں۔ فیسٹیول میلہ 31 اکتوبر تک تھا 2021۔ ابھی سب اسٹال ہولڈرس نے ریکویسٹ کیا ہے ہم لوگوں کو کہ تھوڑا 3 ڈیز بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہم 3 ڈیز لیٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پرمیشنس جو گورنمنٹ پرمیشنس تھے وہ تھوڑا لیٹ آئے، اس کی وجہ سے ہم نے 3 دن لیٹ اسٹارٹ کرے بول کے ہم 3 دن بڑھا دیے۔ ابھی فیسٹیول میلہ ابھی بند ہوگا 3 نومبر 2020-21 کے دن لاسٹ 10:30 کو۔ یوم یادگاران شہیداں پولیس ہفتے کے سلسلے میں ہفتے کو رچاکونڈا پولیس کی طرف سے 100 کلومیٹر ریلی کا سرو نگر اسٹیڈیم میں اہتمام کیا گیا۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے ریلی کو جھنڈی دکھائی۔
इस मौके पर कमिश्नरेट के दूसरे आला अहदेदार मौजूद थे। रैली में 23 आम शहरी और 119 पुलिस मुलाजमी ने हिस्सा लिया। अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश किया। उन्होंने रैली में हिस्सा लेने वालों को भी मुबारकबाद दी। इस जोन पुलिस की तरफ से हफ्ते को आसमानगढ़ के खानगी स्कूल में जॉब मेला मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 40 मुख्तलिफ कंपनियों ने इस जॉब मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने इस मेले में शिरकत की। हफ्ते को 1000 उम्मीदवारों को नौकरी मिलने की तवक्के है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता 4 साल से TMI के ताउन से अब तक 20,000 नौजवानों को मुलाजमतें हासिल हुई हैं और ये हैदराबाद के लिए बात से फख्र है। उन्होंने इस जॉब मेले में ताउन करने वाले पुलिस मुलाजमीन से इजहार तशक्कुर किया। सिर्फ 100 रुपए के लिए आउटसोर्स मुलाजिम ने 3 साल बच्चे का ऑक्सीजन सिलेंडर मुबैना तौर पर दूसरे मरीज को दे दिया। यह अफसोसनाक वाकया नीलोफर हॉस्पिटल में पेश आया। इस वाकये में मूसाबौली अर्रा गड्ढे का साकिन 3 साल मासूम बच्चा सैयद खाजा की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 27 अक्टूबर को सांस लेने में तकलीफ की वजह से ऑटो ड्राइवर के बेटे सैयद खाजा को नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। हफ्ते की सुबह बच्चे का सिटी स्कैन कराया गया, जिसके बाद ऑक्सीजन तब्दील करने के दौरान आउटसोर्स मुलाजिम सुभाष ने दूसरे मरीज के अटेंडर से 100 रुपए के बदले खाजा का सिलेंडर उन्हें दे दिया, जिसके बाद खाजा की तबीयत बिगड़ गई। खाजा के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि लापरवाही की वजह से और सिर्फ 100 रुपए की वजह से खाजा की मौत हुई है। इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खाती नीलोफर हॉस्पिटल पहुंच गए और एहतजाज किया। रुकन असेंबली के एहतजाज पर आउटसोर्स मुलाजिम को मौतल कर दिया गया है। इस वाकये में हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही बेनकाब हुई है। मुतवफी के अफराद खानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। पुलिस को भी इस वाकये की इत्तला दे दी गई है। वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे, मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बगैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो बाढ़ बाय दूसरों के हवाले बाड़ी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है, बाढ़ बाय तो बिल्कुल खुले आम लापरवाही करा, सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया, ये लोगों का बयान है। लेकिन ये वाकई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद खाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है डॉक्टरों की लापरवाही, और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने का उससे डॉक्टरों की उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीजों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नकीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साउथ जोन टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस के इश्तराक से 4 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मफरूर बताया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक सैयद अब्दुल हसन, मीर वसी हैदर, सैयद हादी अली के अलावा शेख इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। टास्क फोर्स ने बताया कि मुलजमीन ने फलकनुमा पुलिस हदूद के एक मकान में सरके की वारदात अंजाम दी थी। टास्क फोर्स ने मुलजमीन के कब्जे से पासपोर्ट, एक मोटरसाइकिल के अलावा मुख्तलिफ अशिया बरामद की हैं जो सरके के लिए इस्तेमाल हुई थी। टास्क फोर्स ने मुलजमीन को मसरूख अशिया के साथ इंस्पेक्टर फलकनुमा पुलिस के हवाले किया है, ताकि उनसे मजीद पूछताछ की जा सके। पुलिस को मफरूर सारिक की तलाश है। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने जुमे के दिन कत्ल किए गए शख्स की शिनाख्त की है। पुलिस के मुताबिक संगारेड्डी IIT कॉलेज के करीब जुमे के दिन लाश दस्तियाब हुई थी। पुलिस की तहकीकात पर मकतूल की शिनाख्त उमर मोहम्मद मुबारक उमरू की हैसियत से की गई,
ये उमानी शहरी बताए गए अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए संगारेड्डी आया करते थे। रूरल पुलिस ने मुतवफी के रिश्तेदार जो ओमान में हैं उनसे बातचीत करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के बाद संगारेड्डी के रिश्तेदारों के हवाले रखने की इजाजत हासिल की है। इस पर हफ्ते के दिन मुतवफी उमर मोहम्मद मुबारक अमरू की तदफीन अमल में आई। पुलिस को कत्ल में मुलविस अफराद की तलाश है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में 19 अक्टूबर को हुए शेख आदिल के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 5 मुलजमीन बशमोल मकतूल की पहली बीवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मकतूल की पहली बीवी जोया के सैयद फरीद के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इस बात का पता चलने पर मकतूल आदिल अपनी पहली बीवी जोया बेगम पर बरहम था। जोया ने आदिल की बरहमी और हरासानी के बारे में अपने आशना सैयद फरीद को इससे वाकिफ करवाया। दोनों ने मिलकर आदिल के कत्ल का मनसूबा बनाया। आदिल ने मंसूबे में अपने दोस्तों रियाज, माविया और जहीर को भी शामिल कर लिया। मंसूबे के तहत जोया ने आदिल को यूसुफैन कॉलोनी बुलवाया। 19 अक्टूबर की रात 11:30 बजे जब आदिल अपनी पहली बीवी जोया के घर आया, जोया ने फौरी अपने आशना फरीद को फोन करते हुए इसकी इत्तला दी। फरीद और उसके साथी जोया के घर पहुंच गए, आदिल को पकड़कर उससे दबोचा गया और फिर मोहल्लिक हथियार से उस पर वार किए गए। आदिल बरसरे मौका हलाक हो गया। उसके बाद फरीद ने जोया को उसकी वालदा के घर भेज दिया। उसके बाद मुलजमी ने लाश को बांधा और पहाड़ी शरीफ के मामड़ीपल्ली जाने वाली सड़क पर ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए मुलजमी को गिरफ्तार किया है। ऐसे हुआ कि जो अभी मरने वाला है इसकी वाइफ के साथ इसका लव मैरिज हुआ था काफी सालों पहले। इन लोगों के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाद में इनमें थोड़े डिफरेंसेस आने स्टार्ट हुए। इसने जो डिसीज ने एक दूसरी शादी भी कर ली एक दूसरी लेडी से, और वैसे डिफरेंसेस स्टार्ट होने के बाद में से ये जो इसकी वाइफ है जो कि आज के केस में A2 है, इसने भी इसका भी ये माना इसके साथ में दोस्ती हो गई और इनके भी आपस में रिलेशन स्टार्ट हो गए। तो इन कारणों की वजह से इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था और अलग अलग भी इन दोनों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। तो वैसा सब चलते हुए इन दोनों ने A1 और A2 जो वाइफ है दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसको खत्म करके रास्ते से हटा देते हैं। तो ऐसी प्लानिंग के मद्देनज़र इन लोगों ने 19 और 20 तारीख की रात को ये जो डिसीज है इसको उसकी वाइफ के थ्रू फ़ोन करवाया कि घर में आ जाए और उससे कुछ बात करनी है। और जैसे उसने आने के लिए हाँ किया ओके बोला तो जो वाइफ है उसने इमिडिएटली जो A1 है उसको खबर दी दिला दी तो वो ऐसे आने के लिए रेडी हो गए। तो A1 ने अपने जो 3 साथी हैं और जो कि आज के केस में A3 है A4 A5 है उनको भी सबको रेडी कर लिया। तो ऐसा सब लोग रेडी होने के बाद ये जो वाइफ है उसके घर पे चले गए और जब तक डिसीज वहाँ पर पहुँचे लोग सारे पहले ही वहाँ पर मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद स्टेशन पर तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए गांजे की मुंतकली और फरोख में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। ADGP संदीप शिंडालिया की क़यादत में कार्रवाई की गई। रेलवे पुलिस ने प्रेमानंदा मलिक, सुबान हैदर शेख, हाजी मस्तान, नीरा मलिक, राजू मलिक और अखिया मलिक को गिरफ्तार करते हुए 82 किलो का गांजा जब्त किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 16,40,000 रुपये बताई गई है। दूसरी तरफ रेलवे पुलिस ने बैग और मोबाइल फोन के सरके में श्रीनिवास दशरथ नामी शख्स को गिरफ्तार किया। श्रीनिवास से मसरूखाशा लेने वाले रमेश एकनाथ शिंदे को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों के कब्जे से 1,00,000 रुपए की नकद रकम, 120 ग्राम के तिलाई जेवरात और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मसरूखा अशिया बशमूल नकद रकम की जुमला मालियत 2,75,000 रुपए बताई गई है। मंगलहार पुलिस ने आगापुरे में गांजा सरबरा करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अशोक सिंह की गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 20 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अशोक सिंह के साथ ही चिंटू सिंह और सत्या तेजा मफरूर बताए गए हैं। DCP AR श्रीनिवास ने बताया कि गांजा और दूसरी नशावरशिया की मुंतकली और कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सौजोन टास्क फोर्स कामाटीपुरा और काला पत्थर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सट्टा बट्टी में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 35,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद से 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 22,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान को बिलतरतीब कामाटीपुरा
और काला पत्थर पुलिस के हवाले किया गया है। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश करते हुए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक MGBS के रूबरू इमारत की पांचवी मंजिल पर चढ़कर आरमोर का साकिन अशोक खुदकुशी की धमकी देने लगा। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाकया पहुंच गई और किसी तरह समझाकर अशोक को नीचे उतारा गया। ACP मीरचौक, सर्कल इंस्पेक्टर, एडिशनल सर्कल इंस्पेक्टर मीरचौक और दबीरपुरा इंस्पेक्टर भी मुकाम वाकया पहुंच गए थे। नौजवान इस मौके पर KCR की हिमायत और BJP की मुखालिफत में नारे लगाता हुआ पाया गया। बताया गया कि नौजवान KCR से मुलाकात की ख्वाहिश कर रहा था। ड्रग्स के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर एराकुंटा सलाला के साकिन आमिर और फलकटुमा के साकिन शेख आरिफ के खिलाफ PD एक्ट लगा दिया गया है। दोनों चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाके, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टिज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब में 90% राय दही, TRS और BJP कारकुनों में झड़पे, ई राजेंद्र के खेमे में जश्न। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में कोविड का दूसरा टीका देने की मुहिम का आगाज, 150 मराकिस कायम, 10 दिनों तक जारी रहेगा प्रोग्राम, सुमेश कुमार ने लिया जायजा। नीलोफर हॉस्पिटल में आउटसोर्स मुलाजिम की मुबैना लापरवाही, सिर्फ 100 रुपए के लिए सिलेंडर की तब्दीली, 3 साल बच्चे की मौत। और शहर में गांजे नशीली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, रेलवे और वेस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई में 7 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।